हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सात आइडेंटिकल डिस्क दे रखे हैं अपन को। मास एम बोला है और रेडियस आर है। इसको सिमेट्रिकली रख दिया गया इस तरह से। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपन को पूरे अरेंजमेंट का। एक ऐसी एक्सिस जो नॉर्मल पास हो रही हो पूरे प्लेन के और पॉइंट पी के। कहने का मतलब है ये रहा आपका पॉइंट पी, यहाँ से एक्सिस होगी और ये पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, सात लोग हैं यहाँ पे, मास एम है, रेडियस आर है, अपन को पॉइंट पी पे इनर्शिया बताना है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले अपन ये बात करें कि अगर ये कोई डिस्क है अपने पास, इसके सेंटर से अगर ये एक्सिस बना दी जाए, इसके अक्रॉस रोटेट करेगा, तो इनर्शिया अपन को याद होता है वो है 1/2 और ये होता है mr². और यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इन सातों लोगों को क्या करो, जैसे इनका मास एम है और रेडियस कितना है बच्चों आर, इन सातों लोगों को सेंटर पे बिठा दो तो 7 m हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, r r और एक और r, और इतनी डिस्टेंस पे इसको स्टडी करने को बोलेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 of r। इस पॉइंट का नाम O है। तो अगर मैं इसको पहले स्टेप 2 सिखाऊँ आप लोगों को, है ना, स्टेप 1 बाद में डिस्कशन में लेंगे। स्टेप 2 का मतलब है ये सातों को मैंने यहाँ बिठा दिया है और यहाँ इनर्शिया देख रहे हैं, तो इनर्शिया एट पॉइंट पी कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमें पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम यूज करनी रहेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे। वो कहता है सबसे पहले सेंटर पे इनर्शिया देख लो, मतलब आई ऑफ ओ पे जितना भी इनर्शिया आ रहा वो देख लो, और प्लस करके यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3 r और मास कितना है 7 m। तो मास लिखते हैं अपन और जो भी डिस्टेंस होता है ना बच्चों 3 r, उसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये एक लाइन में सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि ये चीज अननोन है, ये कितना आएगा ये अपन को मालूम नहीं है अभी। तो इसको आई ओ को लिखने के पहले इसको सीख लेते हैं। आई ओ का मतलब क्या है, इन सब लोगों का ओ पे इनर्शिया। तो यहां लिखता हूं मैं आंसर पहले, ये आप लोगों का स्टेप 1 कहलाएगा बच्चों। ठीक है, इनर्शिया एट पॉइंट ये आ रहा बच्चों ओ पे कितना होगा। जरा देखो, ये पॉइंट ओ पे एक्सिस होगी तो ये घूम रहा होगा और ये सारे के सारे उसके आसपास चल रहे होंगे। तो इसके लिए जब अपन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया एट ओ इज इक्वल्स टू, है ना, ये वाला एक्सिस के लिए तो क्या होगा, सीधा आंसर हाफ लिख देना अपन को और आंसर हो जाएगा mr². और प्लस सोचो, एक को तो पढ़ चुके हो, बाकी 6 लोग बचे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, मुझे पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है अब। वो क्या कहती है, क्योंकि देखो इस सारे के सारे ऐसे भी रोटेट कर रहे होंगे और यहाँ शिफ्ट होके भी रोटेट करेंगे, तो इसके लिए पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये सर रोटेट करेगा तो खुद का इनर्शिया तो काउंट होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी अपन को 2 r दिख रहा है, राइट। यहां से यहां डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2 r, और ये डिस्टेंस भी कितना है बच्चों 2 r का डिस्टेंस है। ध्यान रखो, सेंटर वाले के लिए ये लिखा जा चुका है ऑलरेडी, और बाकी 6 लोगों के लिए अपन को बात करना है, तो 6 हो गया। यहाँ पे खुद का इनर्शिया होता है 1/2 और ये होता है mr² प्लस यहां से यहां शिफ्ट करना है तो मास हो जाएगा m, और शिफ्टिंग के लिए अपन को डिस्टेंस आ रही है 2 r और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो अपना क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ओ पे इनर्शिया चेक करना है तो इसके लिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ½ mr², कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ 6 लोग हैं तो हो जाएगा 6 times of 1/2 mr² प्लस ये डिस्टेंस, शिफ्टिंग का डिस्टेंस वाली टर्म आएगी। इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा, ये हो रहा है बच्चों 1/2 mr² प्लस हो जाएगा 4, 8 और 9, 9 6 होगा अपना 54/2 और ये हो जाएगा mr² आंसर आ रहा है यहाँ पे 55/2 mr² ये बच्चों ओ की टर्म है, इसको यहाँ रख देते हैं और लास्ट आंसर अपन लिख लेंगे 55/2 ऑफ mr² प्लस ये हो जाएगा 9 7 ये होगा 63 mr², ये टर्म आ रही है 126 प्लस 55, आंसर होगा 181/2 और ये हो गया mr² का टर्म। ये इनर्शिया बच्चों पॉइंट पी पे है और यही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना, 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपन पैरेलल शिफ्टिंग का, पहले तो पूरे अरेंजमेंट का सेंटर पे निकाला और फिर उस अरेंजमेंट से अपन ने पॉइंट पी पर निकाला, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 r की डिस्टेंस है, राइट। एग्जाम के डायग्राम में पॉइंट पी मेंशन नहीं है तो बच्चों से गलतियां बहुत हुई हैं, लेकिन पॉइंट पी ये इसकी पेरीफेरी पे मार्क करना है और ऑप्शन नंबर 3 अपना सही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स
काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।